वालेकुम आदाब, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर और आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें पिछले कुछ अरसे से लगातार इजाफा होता जा रहा है और जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसी सिलसिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो ब्लॉक द्रामशाला है, ब्लॉक द्रामशाला के हेडक्वार्टर में है जो द्रामशाला तहसील है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर दुकानें बंद हैं और पूरा कारोबार यहाँ पे बंद है। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये यहाँ पे लोग बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लॉक द्रामशाला है या तहसील द्रामशाला है, तहसील द्रामशाला की पॉपुलेशन जो है 12,000 से ऊपर है, लेकिन खुदा के फजल से अभी तक यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, कोई केस यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है। ताहम लोगों को इस मोहलिक वबा से बचाने के लिए यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोशा है, जो जगह जगह पर यहाँ पे नाके लगे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मचारी देख सकते हैं आप बिल्कुल एक्टिव खड़े हैं और लोगों को यहाँ पर समझा बुझा रहे हैं कि भाई इस वक्त जो है जो ज़माना इस वक्त चल रहा है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पूरी मार्केट का यहाँ पर जायज़ा कराएं नाज़रीन को। तो उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर अभी चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, यहाँ पर चल रहा है, जो लोग हैं जो 18 से ऊपर हैं या उससे ऊपर जो रह गए हैं उनके लिए जो है वैक्सीन का यहाँ पर बंदोबस्त है, जो यहाँ पर हेल्थ सेंटर है द्रामशाला में, और लोग वहाँ पर जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। और उसके अलावा मैं लोगों से ज़ाती तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि बहुत भयानक रुख अख्तियार कर चुके हैं ये मोहलिक वबा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं टीवी चैनलों पे देख सकते हैं, और आप हमेशा आप तक ये बातें पहुंचती रहती हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो है लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोग चीख चीख के मर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसी जो सिलसिला है उस पे यहाँ पर अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ जो है रहम है, कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है नॉर्म्स है उन पे ध्यान दें। लेकिन उसके अलावा मैं एक और अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पर जो एसेंशियल सर्विस की दुकानें हैं, जैसे सब्ज़ी की दुकान है और दूसरा जो मीट की दुकान है, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद आने में अभी तक शायद कल का दिन ही बाकी है, परसों शायद ईद होगी। तो इस सिलसिले में मैं अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर जो एसेंशियल सर्विस की दुकानें हैं उनको खोल दिया जाए। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहे लाजवाल। अल्लाह।